उन्नत भारत अभियान क्षेत्रीय समन्वय संस्थान IIT रुड़की द्वारा साउथ एशिया अलायंस ऑफ डिजास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट IIT रुड़की के सहयोग से एक दिवसीय आपदा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने बादल फटने, जंगल में आग लगने सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बचाव के बारे में जानकारी दी। वहीं उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि आपदाओं को रोक पाना प्रत्यक्ष तौर पर हमारे हाथ में नहीं है, परंतु उनके शमन के उपाय से परिचित होकर उनके दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कार्यक्रम में पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य के 34 संस्थानों ने 92 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। भी हो रही हैं आपदाएं, तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको कैसे बचाया जा सके, किस तरह से रेस्क्यू किया जाए ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो, तो ये सब चीज़ों की ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो पार्ट है ये ट्रेनिंग देते हैं। इसमें बिल्डिंग लाइट वेट मटेरियल, जहाँ भूकंप ज़्यादा आता है वहाँ लाइट वेट मटेरियल की बिल्डिंग बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तैयारी रहे ताकि चाहे, क्योंकि भूकंप भी जो आ रहे हैं उसके लिए अपनी कम्युनिटी किस तरह से अपने को तैयार करे, फॉरेस्ट फायर है, जंगलों की आग है, किस तरह से तैयार हों, फ्लैश फ्लड हैं किस तरह से हैं। तो आपदा, क्योंकि वो तो चोली दामन का साथ होता है जहाँ पर भी है मानव समाज है, उसके लिए तैयारी अपने आप में होनी, और यंग एजुकेटर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उसको तैयार करना सबसे बड़ा काम है। तो सादरी ने आयोजन किया है, महत्वपूर्ण है। देखिए, जो वैज्ञानिक संस्थान होते हैं वो और वैज्ञानिक आधार पर किसी भी चीज़